हम मानते हैं कि सभी चीजें अच्छे के लिए घटती हैं, लेकिन अब की बार नेपाल के लिए कुछ ज्यादा अच्छा घट नहीं रहा। लेकिन अभी भी वक्त है कि पिछली सारी चीजों को भुलाकर अब नई शुरुआत करी जाए। नेपाल वर्सेज पाकिस्तान मैच जो कि सेफ चैंपियनशिप 2023 के अंदर खेला जाना है और उसका दिन अब आज ही है। इसके अंदर नेपाल अगर जीत जाता है तो कहीं न कहीं पुरानी सभी गलतियों को भुला दिया जाएगा और नेपाल के जीतने के चांसेस कितने हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। तो इस वक्त हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी लेंगे कि पिछले साल और अब की साल के अंदर कितना बदलाव है नेपाल की टीम के अंदर, इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जीतने के कितने परसेंटेज बनते हैं नेपाल के, या फिर पाकिस्तान ही ज्यादा परसेंटेज लिए बैठा है जीत के मामले में। ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैच से पहले, तो यही बातें करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेफ चैंपियन 2023 के अंदर ग्रुप ए में है नेपाल, जिसके साथ थी कुवैत, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें से कुवैत और इंडिया के साथ नेपाल की मैच हो चुके हैं और दोनों ही मैच नेपाल को हार का सामना करने पर मजबूर किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों पॉइंट्स टेबल की, तो नेपाल ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, जिसकी वजह से उसकी पॉइंट्स टेबल में जो जगह है वो तीसरी है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो उसने भी एक भी मैच नहीं जीता है, वो भी इंडिया और कुवैत से हार चुका है, जिसकी वजह से उसकी भी पॉइंट्स टेबल में जगह चौथी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों में से पॉइंट्स टेबल की जगह यहाँ पे एक जैसे मैच हारने के बावजूद नीचे ऊपर इसलिए है क्योंकि जेडी जो कि यहाँ पे नेपाल का -4 है और वहीं पे पाकिस्तान का -8 है, यानी कि नेपाल की टीम पाकिस्तान से तो अब भी आगे है। और अगर बात करें हिस्टोरिकल की, तो भी हम बात कर सकते हैं 2022 के अंदर 16 नवंबर को एक मैच खेला गया था, जिसके अंदर नेपाल के अंजन बिस्ता ने एक गोल लगाया था, जबरदस्त गोल कह सकते हैं उसे, और उस मैच के अंदर नेपाल ने एक गोल से बढ़त बनाकर पाकिस्तान को हरा दिया था। लेकिन उससे पहले की बात करें अगर यहाँ पे हम 4 सितंबर 2018 की, तो वहां पे नेपाल वर्सेज पाकिस्तान का ये मैच था और उसके अंदर नेपाल को एक गोल जरूर मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में 2 गोल लगा दिए, जिसकी वजह से ये मैच हार गई थी नेपाल। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली बात करते चलें कि पाकिस्तान का फॉर्म कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पे अगर बात करें नेपाल के फॉर्म की, तो यहाँ पे फॉर्म तो उनका भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि जितने भी हम पॉइंट्स टेबल में देखें या फिर पीछे के रिकॉर्ड उठाएं, तो ताज़ा रिकॉर्डों के मुताबिक जो नेपाल की टीम है वो बेटर देन है जो पाकिस्तान की टीम है उससे। ये जो मैच होने वाला है वो लास्ट मैच होगा और इसके बाद यहाँ पे सेफ चैंपियनशिप 2023 के जो टाई अप मुकाबले होते हैं या फिर हम कहें कि सेमीफाइनल मुकाबले होते हैं वो चलने वाले हैं। तो नेपाल का नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही कुवैत और इंडिया इस पर राज करे बैठे हैं। एक एक मैच और बचा है और इसके अंदर हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल को जीत एक मिल सकती है तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से ही 2 में से 2 मैच जीत चुका है, कुवैत पहले से ही 2 में से 2 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही दोनों के मैच हार चुकी है, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल डायरेक्टली कंफ्यूज नहीं कर रही और यहाँ पे दोनों टीमों को डायरेक्ट सेमीफाइनल के अंदर इंटर करवा रही है। ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे लेबनानों ने 2 में से 2 मैच जीते हैं, बांग्लादेश ने 1 मैच खोया है 1 मैच जीता है, और मालदीव्स ने 1 मैच खोया है 1 मैच जीता है, भूटान ने दोनों ही मैच हार दिए हैं। तो उसके अंदर जरूर कंपटीशन है, लेकिन हमारे जो ग्रुप के अंदर कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेला जाना है ये मैच क्योंकि वो एक लीग मैच है और इसके साथ साथ जो भी टीम जीतेगी वो अपनी शान बचाने में कामयाब होगी और एक नए ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं आगे आने वाली सीरीज, आगे आने वाली ट्रॉफीज के अंदर अपना जज्बा दिखाती हुई नजर आएगी। दोस्तों, जहां तक यहां पे कंक्लूजन निकाला जा रहा है वहां तक ऐसा प्रेडिकेशन है कि 60% नेपाल के जीतने के चांसेज हैं और 40% चांसेज यहाँ पे पाकिस्तान के हैं। तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं कि नेपाल आज क्लियरली जीत जाएगा और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाएगा, या फिर नेपाल को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।